हेलो दोस्तों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि आयरन प्रेस को हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो प्रेस है ये लगातार हीट होती रहती है और इसमें जो है पावर कट नहीं होता है, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। तो ये इन थर्मोस्टेट का ख़राब हो जाने के कारण होता है। तो इन थर्मोस्टेट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया आपको दिखाएंगे दोस्तों। साथ ही आपको कनेक्शन के बारे में भी बताया जाएगा। तो फुल डिटेल के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए अब हम इसको खोलते हैं। इसको पीछे की ओर पुश करके निकाल लेना है। तो देख सकते हैं ये हमारा ऊपर का हैंड ओपन हो चुका है और अब आप देख रहे हैं कि इसमें ये रोटरी लगा हुआ है। इसको इस तरीके से ऊपर की ओर खींचना है हल्के से, ये बड़ी ही आसानी से निकल जाती है। अब आपको जो है इसके ऊपर वाला हाउसिंग को निकालना होगा। इसके लिए आप जो स्क्रू ये देख पा रहे हैं इसको खोलना है और सिर्फ एक स्क्रू की मदद से दोस्तों टाइट होता है इस पर। तो यदि आप एक स्क्रू को ओपन करेंगे तो ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो चलिए अब हम इसको जल्दी से निकाल लेते हैं, फिर आपको सिखाते हैं इसके आगे का प्रोसेस। तो हमने पेंच को निकाल लिया है और अब इसके हाउसिंग को दोस्तों पीछे की ओर थोड़ा खींच के और हल्का सा ऊपर की ओर पुश करना है, निकल जाएगा आसानी से। तो देख सकते हैं हमारा ओपन हो चुका है। अब जो दोस्तों इसमें दो बोल्ट दिख रहे हैं इनको हमें खोल लेना है, जो कि थर्मोस्टेट में लगे हुए हैं ये वाले बोल्ट। तो चलिए अब हम इनको जल्दी से खोल कर कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, प्रेस रिपेयरिंग करना बहुत ही आसान होता है, बस आपको ध्यान से देखना है और आप एक ही वीडियो में एक ही बार में प्रेस रिपेयर करना आसानी से सीख पाएंगे। तो देख सकते हैं हमने दोनों बोल्ट को खोल लिया है और अब इसका ऊपर वाला टप ये जो निकाल देते हैं और फिर बात करते हैं आगे की। क्या आपको पता है कि प्रेस में जो है ओवर हीटिंग या कम हीटिंग किस कारण होती है, यानी कि हीटिंग से संबंधित प्रॉब्लम जो है जब थर्मोस्टेट ख़राब हो जाता है तभी इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो देख सकते हैं हमने दोनों बोल्ट को खोल लिया है और अब इसको इस तरीके से निकाल लेना। दोस्तों, देख सकते हैं ये जो प्रेस है इसमें डायरेक्ट वायर जुड़े हुए हैं और थर्मोस्टेट का कनेक्शन कटा हुआ है। ये दोस्तों इसलिए है क्योंकि कस्टमर ने इसमें छेड़छाड़ की है, अपने आप बनाने की कोशिश की है दोस्तों। तो चलिए अब हम इसको रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा थर्मोस्टेट इस टाइप का इसमें पड़ने वाला है। तो इसको सबसे पहले खोल लेना है इसके दोनों साइड के बोल्ट को और इसको बाहर निकाल लेना है। तो चलिए हम जल्दी से खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसके आगे आपको क्या करना है। तो देख सकते हैं हमने लगभग दोनों बोल्ट को खोल लिया है और ये थर्मोस्टेट हमारा बाहर आ चुका है। ये देख सकते हैं इसको निकाल लेना है बड़ी ही आसानी से और ये इसमें बहुत ही मूर्छा और दोस्तों जंग लगा हुआ है, जिसके कारण ये अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा था। इसका दोस्तों एलिमेंट एकदम सही है, एलिमेंट को आप सीरीज कनेक्शन से चेक कर सकते हैं, यदि बल्ब जले तो सही है वरना गलत। तो देख सकते हैं ये थर्मोस्टेट है, ये इसी साइज़ का है दोस्तों और इसका जो ये है इसको हमें निकालना पड़ेगा और इसमें फंसना है नए वाले थर्मोस्टेट में। तो इसकी जो है लॉक निकालनी पड़ेगी और ये रोटरी वाला जो पिन है जिससे कि रोटरी जो है थर्मोस्टेट को घुमाती है उसको हमें निकालना पड़ेगा बाहर। तो सबसे पहले इस पेंच को खोल लेना है और फिर इसके ऊपर जो दोस्तों लॉक लगी हुई है इसको पेंच कस की मदद से थोड़ा उठा करके निकाल लेना है। तो देख सकते हैं ये लॉक हमारी निकल चुकी है और अब इसको निकाल लेना है। इसमें दोस्तों जो है स्क्रू ड्राइवर की तरह या फिर मान लीजिए आप रिंच जो होते हैं खोलने वाले, उनमें खांचे बने होते हैं और जो कि थर्मोस्टेट में बने खांचों में फंस जाते हैं। तो नया आपको थर्मोस्टेट पहले ऐसे ही लगा देना है और फिर उसमें आपको पेंच लगा देने हैं दोनों, और फिर जो हमने लॉक लगा निकाल के रखी थी उसको हमें लगाना है और रोटरी वाले पिन लगाने हैं। तो देख सकते हैं हमने दोनों बोल्ट लगा कर दिए हैं कम्प्लीट और अब इसके ऊपर से दोस्तों जो है ये जो हमने अभी निकाल के रखा था इसको लगा देना है। देख सकते हैं इसमें जो खांचे बने हुए हैं वो नीचे थर्मोस्टेट के खांचों में मिलने ही चाहिए दोस्तों, तभी अच्छे से लग पाएगा और वर्क भी करेगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने लगा दिया है और अब इसके ऊपर से हमको लॉक लगा देनी है। तो हमने लॉक लगा करके कर दिया है कंप्लीट, देख सकते हैं आप। और अब हम इसके करने वाले हैं कनेक्शन। तो दोस्तों कस्टमर द्वारा किए गए कनेक्शन को हम सबसे पहले हटा लेते हैं, यानी कि ये कनेक्शन सिर्फ ऐसे ही डायरेक्ट कर दिया था बट चला नहीं दोस्तों प्रेस, क्योंकि वो कनेक्शन नहीं कर पाया था सही से। तो अब क्या करना है हमको, किसी भी एक वायर को थर्मोस्टेट के किसी भी एक वायर से कनेक्ट करना है, जैसा कि हमने करके दिखाया है आपको। देख सकते हैं इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है, रेड और ब्लैक डायरेक्ट सप्लाई के वायर हैं। इसको थर्मोस्टेट को हमें सीरीज में जोड़ना होता है, जैसे कि हम बेड स्विच को जोड़ते हैं। तो दोस्तों कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और इन वायर्स को जो है आप ये दोनों होल्स देख रहे हैं इनसे बाहर निकाल लेना है
दोस्तों इसकी हाउसिंग थोड़ी टूटी हुई थी, इसीलिए दोस्तों इसमें जो है फुल हाउसिंग नहीं है, क्योंकि कस्टमर ने बहुत ही इसमें छेड़छाड़ किया है और तोड़ फोड़ के सब लाया है दोस्तों। तो देख सकते हैं ये हमारा एकदम सेट हो चुका है, और ये जो पेंच है अब इसमें लगा देते हैं पेंच और फिर इसको टाइट कर देते हैं अच्छे से। हमारी प्रेस रिपेयरिंग हो चुकी है कंप्लीट। इसी तरह से आपको भी प्रेस रिपेयर करना है घर पे, जो कि आप आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो में हमारे द्वारा बताई गई चीज़ें पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और सेम इसी तरीके से आप अपने प्रेस की रिपेयरिंग कर सकते हैं। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि हम जो भी इलेक्ट्रिकल वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले, और आप उसका फ़ायदा उठा पाएं, जिससे होगा यह कि सभी इलेक्ट्रिक उपकरण आप अपने आप से और घर पर ही रिपेयर कर पाएंगे, वो भी बड़ी आसानी से।